प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में एसटीएफ अब अपना शिकंजा कसती चली जा रही है। मंगलवार को एसटीएफ ने फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बीएसए कार्यालय के 3 लिपिक भी शामिल हैं, वहीं इनमें 4 शिक्षक भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से एसटीएफ ने कोतवाली में कई घंटे तक पूछताछ की। प्रदेश में 29,000 शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में फर्जी शिक्षक भर्ती के मामले में एसटीएफ ने मंगलवार को बीएसए कार्यालय के मास्टरमाइंड बाबू सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया। शिक्षक भर्ती घोटाले में एसटीएफ की टीम मथुरा में डेरा डाले हुए थी। सघन छानबीन के बाद एसटीएफ ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के एसपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसटीएफ की टीम ने बीएसए कार्यालय से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए लोगों से कई घंटे तक शहर कोतवाली में पूछताछ की। एसटीएफ ने पकड़े गए लोगों से नियुक्ति पत्र भी बरामद किए। एसटीएफ के एसपी ने कहा कि पकड़े गए लोगों में 9 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। वहीं शिकायतकर्ता राजेश दीक्षित ने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाले थोड़े से पढ़े लिखे आदमी को जब मैंने सरकारी नौकरी पर शिक्षक के तौर पर पढ़ाते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने बीएसए कार्यालय आना जाना शुरू कर दिया, और ऐसे लोगों को शिक्षक के पद पर तैनात देखा जो एक शिक्षक होने की योग्यता भी नहीं रखते। जब इन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत हाथ लगने के बाद प्रदेश के ऊर्जावान तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजकर एसटीएफ और अन्य बड़ी एजेंसियों को जांच कराने के लिए शिकायती पत्र लिखा, जिस पर कार्यवाही करते हुए फर्जी शिक्षकों में आज 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे खुशी जब होगी जब इन सभी फर्जी शिक्षक और फर्जी नियुक्ति करने वाले को जेल जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपको? राजेश कुमार दीक्षित नाम है। राजेश जी, जो फर्जी शिक्षक घोटाले को जाकर किए, क्या शिकायत थी और किस तरीके आपने शिकायत? ये दरअसल में 2015 में 29,000 शिक्षकों के नाम से एक भर्ती जानी जाती है। ये गणित और विज्ञान विषय के टीचरों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें हमारे मथुरा जनपद के लिए 292 पद आरक्षित हुए थे। उसकी कट ऑफ जारी हुई थी। कट ऑफ जारी होने के बाद में कुछ लोग ज्वाइनिंग करने से रह गए थे। बाद में शासन स्तर से एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि दोबारा जो नई नियुक्ति कर पाए उनको मौका दिया जाए। एक उस मौके की आड़ में इन लोगों ने, जो मर्दी माफिया है, इन लोगों ने तकरीबन 100 सवा से लोग ऐसे भर्ती कर दिए जिनमें से 50-60 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस योग्यता भी नहीं थी उनकी, और फार्म भी नहीं भरे थे योग्यता के लिए, अपने अध्यापक बनने के लिए फार्म भी नहीं भरे, और ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र देकर के इन्होंने ज्वाइन करा दिया। और लोग जो ज्वाइन कराया था, ये बीएसए ऑफिस के बाबू हैं, बीएसए हैं, और जो शिक्षा माफिया है। और बीएसए दोस्तों, बीएसए तो वर्तमान में जो गए हैं अभी यहाँ से वही थे, संजीव कुमार जी और अशोक कुमार जी के समय का समय है ये। ऐसे कैसे कितने टीचर थे इनको ज्वाइनिंग दी गई थी? ऐसे तकरीबन 100 से ऊपर टीचर हैं इनको फर्जी नियुक्ति की। कुछ कम लोगों के नहीं, एफआईआर जो हुई है वो 12,000 की हुई है। ये दो भर्ती हो गई अलग अलग। एफआईआर जो हुई है, जो 12,000 जो अभी लेटेस्ट भर्ती चल रही है उसकी एफआईआर हुई है। ये 2015 की भर्ती है, 29,000 के नाम से गणित विज्ञान विषय के नाम से जानी जाती है। ये वो भर्ती है। आपको कैसे मिली थी फर्जी लोगों? मैंने देखा एक व्यक्ति जिसकी योग्यता कुछ भी नहीं थी, वो मेरे देखते देखते टीचर बन गया। मेरा दिमाग सनका, इस व्यक्ति की तो कुछ भी योग्यता नहीं है, टीचर कैसे बन गया? तो फिर मैंने लगभग एक 5-6 महीने से बीएसए ऑफिस की मॉनिटरिंग करना चालू किया, और फिर वहां से धीरे धीरे साथ जो आए, तब जाके शिकायत के स्तर पर पहुंचा। क्या आपने कोई आरटीआई में जानकारी मांगी थी बीएसए? दरअसल में आरटीआई में जानकारी मांगने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये लोग कागज दिखाते ही नहीं थे, उन्हें देते थे। ये तो गोपनीय स्तर से अपने आप जाके ऑफिस में बैठ गए, जानकारी कर ली, देख लिया, कुछ इस तरह से जानकारी प्राप्त हुई। आप जो कार्रवाई से संतुष्ट हैं? वर्तमान में सरकार के द्वारा या एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट तो मेरी जभी मिलेगी जब प्रदेश के योग्यताधारी बेरोजगारों को सच्चे में न्याय मिलेगा। और हर जनपद में, ये मथुरा में नहीं, प्रदेश के हर जनपद में ये भर्ती घोटाला हुआ है, प्रदेश के हर जनपद में एसटीएफ या एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए, और प्रदेश के जो योग्यताधारी बेरोजगार हैं उनको न्याय मिले, उनको स्थान मिले, अपनी नियुक्ति करने का, नौकरी करने का अवसर प्रदान हो, बस मेरा यही मंशा है। एसटीएफ के द्वारा आज जैसे कार्रवाई कार्यालय में छापा डाल करके हमारे पास पहले से कुछ सूचनाएं थी इस भर्ती, फर्जी भर्ती के बारे में, कि कुछ फेक टीचर्स प्राइमरी यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गए हैं, और उसमें जैसे कार्यालय के कुछ स्टाफ की भी मिली थी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते करते ज़्यादा गहराई से पता चला तो इसके बेसिस पर आज हम लोगों ने अपनी कार्रवाई की, और तकरीबन 16 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 तो कार्यालय का स्टाफ है,
महेश बाबू जो हैं जो वहाँ के कनिष्ठ लिखित हैं सरकारी नौकर दोनों कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और बाकी चार उसमें ऐसे वरिष्ठ टीचर हैं जो जो लोगों को एंटाइज करके उनको बरगला करके और उनसे पैसे लेकर उनका रिक्रूटमेंट कराते हैं और नौ करीब ऐसे न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं जो पिछले छः महीनों से विभिन्न विद्यालयों में काम कर रहे हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स जो हैं वो ये लोग हैं जिन्होंने इस पद के लिए अप्लाई जो भी नहीं किया एप्लीकेशन भी नहीं डाली थी और सिर्फ पैसा देकर के प्रति कैंडिडेट से पदोन्नति हिस्सा लेकर भर्ती हुई है और छः महीने से उठाए गए और बहुत जल्दी उनका प्लान भी था कोशिश भी शुरू कर ताकि वो प्रॉपरली गवर्नमेंट सर्विस की स्ट्रीम में कि कुछ ऐसे टीचर भी इसमें जो क्वालिफाइड नहीं थे तो उनकी नौकरी मिल गई इनको सरकारी इस विषय में फर्दर जाँच चल रही है लेकिन निश्चित तौर पर इनका नाम था और मान ली इनका नाम जो एप्लीकेशन जो मास्टर लिस्ट है हमारे इसमें लोगों ने अप्लाई कितने लोगों ने किया था मथुरा के 290 पदों के लिए तकरीबन 17,000 लोगों ने अप्लाई किया था ये जो लोग पकड़े गए हैं इनका नाम 17,000 लोगों में भी नहीं तो बी एस सी में भी पाई जा रही है बाकी लोगों की भूमिका के बारे में भी जाँच की जाए क्या क्या बरामद हुआ है सर इनसे बरामद इनसे कैश हुआ तकरीबन 4,00,000 रुपया मोबाइल फोन फर्जी दस्तावेज जो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो मास्टर लिस्ट के खास बरामद हुई है और जो बी एस सी कार्यालय का जो कंप्यूटर था जिसमें उनका डेटा था वो हमने सीखा किसी शिक्षक अधिकारी को भी इसमें इल्जाम दिया पूछताछ के लिए अभी उनसे पूछताछ नहीं है अगर कोई फर्दर जानकारी हमें चाहिए तो उसके बारे में पूछताछ अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं।